जिले में जल्द ही वाहनों की तरह गंगा नदी में चलने वाले नावों का भी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वन विभाग द्वारा कछुआ सेंचुरी का स्थल परिवर्तित किए जाने के बाद गंगा नदी में चलने वाले सभी प्रकार के नाव के पंजीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अभी तक कछुआ सेंचुरी होने के कारण गंगा में चलने वाली नाव का पंजीकरण नहीं हो रहा था। पंजीकरण शुरू होने से जिला एवं नगर निगम प्रशासन को नदी में चलने वाली नाव के प्रकार, उसकी धारण क्षमता, नाव कब निर्मित हुई है, नाव गंगा नदी में चलने योग्य है अथवा नहीं, इसका आसानी से पता चल जाएगा और प्रशासन द्वारा इन नाव पर मुस्तैदी के साथ निगरानी आसानी हो जाएगी। अभी तक गंगा नदी में मनमाने तरीके से नाव का संचालन होता रहा है। देखा गया है कि मानव चालित नाव की अपेक्षा मोटर चालित नाव की संख्या अत्यधिक हो गई है। इन पर बेतरतीब और मनमाने ढंग से लोगों को बैठाकर गंगा की सैर कराई जाती है। इन नावों पर न तो सुरक्षा के मानकों का ध्यान दिया जाता है और न ही पर्याप्त सुरक्षा के उपकरण ही होते हैं, जिसके कारण कभी कभी दुर्घटना होने पर जान माल का भी अधिक नुकसान हो जाता है। पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित होने के बाद इन पर आसानी से लगाम लग जाएगा और नाविकों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाएगी। पंजीकरण की प्रक्रिया वाराणसी नगर निगम द्वारा 17 जून 2020 से ऑनलाइन प्रारंभ की जा रही है। जिन नाविकों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया जा पाएगा, वह ऑफलाइन भी आवेदन पत्र संबंधित जोन कार्यालय से प्राप्त करते हुए उसी जोन कार्यालय पर जमा कर सकते हैं। नाविकों को आवेदन पत्र में अपना नाम, माता पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना स्थायी पता, आधार नंबर, नाव का प्रकार, नाव के धारण की क्षमता, नाव के निर्माण का समय तथा नाव किस घाट से किस घाट तक चलेगी, उसका उल्लेख करना होगा। इसके साथ ही यह भी उल्लेख करना होगा कि नाव पूर्व में पंजीकृत थी या नहीं।